नमस्कार दोस्तों, SN इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम नीमी असाइनमेंट का इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का सॉल्यूशन कर रहे थे। हम थर्ड सेमेस्टर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम पिछली वीडियो में 179 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए थे। आज इस वीडियो में हम 188 क्वेश्चन से सॉल्यूशन करेंगे। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होगी जो स्टूडेंट ITI सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और उनका अभी रिसेंटली CBT एग्ज़ाम देना है, जो कि बहुत जल्द उनका एग्ज़ाम डेट पब्लिश होने वाला है। तो वो स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि इस PDF से 100% हूबहू, जो कि कंप्यूटर की भाषा में कॉपी पेस्ट कहते हैं, वही क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो वो स्टूडेंट विशेष तौर से इसके एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक्सप्लेन अच्छे तरीके से देखें, समझें। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ आपसे निवेदन रहेगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 188 जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट है, इसका CBT एग्ज़ाम में आने की काफ़ी उम्मीद है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और फिर भी कोई दिक्कत रह जाएगी तो कमेंट करिएगा डाउट में। ये क्वेश्चन जो दे रहा है कि 1440 RPM पर घूर्णन कर रही 7.5 HP स्क्वायरल गेज मोटर द्वारा निर्मित बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इसके लिए जो फार्मूला होता है टाउ यानी टार्क इक्वल टू 9.55 इंटू वाट अपन रोटर स्पीड। अगर वाट नहीं दिया रहेगा तो उसका कन्वर्जन किया जाएगा, मतलब बदला जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि रोटर स्पीड तो दिया हुआ है 1440 RPM, लेकिन वाट न देकर के यहाँ HP दिया हुआ है 7.5 HP। तो एक HP इक्वल टू होता है 746 वाट। तो 7.5 HP इंटू 746 वाट कर देंगे तो ये कन्वर्जन कन्वर्ट होकर के वाट में आ जाएगा। तो आइए क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। टार्क इक्वल टू, इसको टाउ बोलते हैं, टाउ इक्वल टू 9.55 इंटू वाट, तो वाट के जगह पे HP दिया है तो HP जो है 7.5 इंटू 746 अपन रोटर स्पीड 1440 RPM। जब इसका सॉल्यूशन आप करेंगे तो ये कट पीट करके 746 वाट ये होगा, ये कट पीट करके जो सॉल्यूशन आएगा वो 37 आएगा। आप इसको पुनः मान का कैलकुलेशन कीजिएगा और देखिएगा वास्तव में 37 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 37 न्यूटन इंटू मीटर आएगा, क्योंकि टाऊ टार्क का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। तो 37 के आसपास या 37 कौन ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी है 36.6, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 189 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मोस्ट है क्योंकि ये NFL का अभी एग्ज़ाम गया हुआ है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये हूबहू क्वेश्चन वहाँ दिया हुआ था। तो जो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिजाइन को सचित्र वर्णन किया गया है, तो ये जो फिगर है रोटरी स्विच का है
और ये जो दिखाया जा रहा है ये किस पार्ट को दिखाया जा रहा है, तो क्वाइन स्लॉट को दिखाया जा रहा है। तो क्वाइन स्लॉट यानी सिक्के का स्लॉट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 190 नंबर क्वेश्चन है, तीन कला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन, कल भी ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन में जो स्टार्टर प्रयोग किया जाता है, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर प्रयोग किया जाता है, यानी स्टार्टिंग में ही इसमें रेजिस्टेंस डाल दिया जाता है। इसमें रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन में स्टार्टिंग टार्क जो होता है वो हाई पाने के लिए। तो ऑप्शन जो ए है, रोटर वोल्टेज कम करे, नहीं, रोटर करंट को कम करे, ये भी नहीं होगा, बल आघूर्ण को बढ़ाए, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 191 नंबर, गति नियंत्रण की सी विधि केवल तीन कला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए प्रयोग की जाती है। गति नियंत्रण यानी स्पीड कंट्रोलिंग के लिए थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन में किस मेथड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन जो ए है, कैस्केड संचालन विधि, ये स्क्वायरल गेज मतलब थ्री फेज स्क्वायरल गेज इंडक्शन मशीन के लिए प्रयोग करेंगे, गलत हो जाएगा। बी जो है, रोटर रिहोस्टेट नियंत्रण विधि, इसका ही प्रयोग किया जाता है थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, आरोपित आवृत्ति विधि को बदलकर ये भी थ्री फेज स्क्वायरल गेज इंडक्शन मशीन में प्रयोग किया जाएगा। और जो डी ऑप्शन पे है, स्टेटर ध्रुव विधि की संख्या बदलकर मतलब स्टेटर में पोल की संख्या को बदलकर, तो ये भी थ्री फेज स्क्वायरल गेज इंडक्शन मशीन में किया जाता है। 192 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दिखाई गई वाइंडिंग का नाम क्या है? अब ये वाइंडिंग का नाम बताना है। ये जो वाइंडिंग है ये स्किन वाइंडिंग है। स्किन वाइंडिंग की विशेषता ये होती है कि ये इसका डायग्राम होता है, ये इसका डायग्राम होता है ऐसे ऐसे। इसमें ये होगा इसकी विशेषता कि एक बड़ी लंबाई ले लेते हैं, एक ही यहीं से पकड़ के आ इसको चला दिया जाता है यहाँ तक। तो इसमें विशेषता इसकी ये होती है कि एक ही क्वाइल लेंगे और बड़ी क्वाइल लेंगे, और इसका जो व्यास होगा अन्य वाइंडिंग की अपेक्षा इसका व्यास मोटा होता है। तो इसका ध्यान में रखिएगा कि ये कहीं लंबी क्वाइल लेंगे और इसका जो व्यास होगा अन्य वाइंडिंग से मोटा होगा। तो चित्र में दिखाई गई जो वाइंडिंग है वो स्किन वाइंडिंग है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे ए ऑप्शन पे दिया है स्क्यू वाइंडिंग यानी तिरछी वाइंडिंग, इसका कैसा डायग्राम होता है? तो इसका ऐसे डायग्राम होता है। इसके जो पार्श्व होते हैं, ये जो पार्श्व हैं ये और ये, एक तरफ छोटा रखा जाता है एक तरफ बड़ा रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब मोटर में ये बाइंडिंग की जाए तो उस मोटर में हीट जनरेट हो, तो उसके लिए स्थान मिल जाए हीट बाहर निकलने के लिए, यानी मोटर हीट ना हो। तो ये जो होती है स्किन वाइंडिंग होती है, और इसकी विशेषता जो होती है आप देख भी रहेंगे तिरछी जा रही है, और इसकी विशेषता ये होती है कि जो भी उच्च वोल्टेज वाली मशीनें हैं उसमें स्क्यू वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो है, इन्वोल्यूट वाइंडिंग, ये जो वाइंडिंग होती है इसका जो डायग्राम होता है ऐसे होता है, ये ऐसे हो जाएगा। और यहाँ से इन्वोल्यूट वाइंडिंग की विशेषता होती है कि इसमें जो स्लॉट का अंतर ये डाला जा रहा है, ये स्लॉट अंतर,
ये दो खांचों, दो स्लॉट का अंतर होगा, मतलब कि इसमें क्वाइल पिच जो हुआ वो दो का अंतर आया। और ये बैंडिंग जो इनवोल्यूट बैंडिंग है, इसका डायग्राम ऐसे ही होता है। और ये भी बैंडिंग हाई वोल्टेज वाली मशीनों में ही की जाती है। नेक्स्ट जो है डायमंड क्वाइल बैंडिंग। डायमंड क्वाइल बैंडिंग जो होती है, इसका जो डायग्राम बनता है ये षटभुजाकार होता है, ऐसे ऐसे ये षटभुजाकार हो जाएगा और यहाँ से ये हो जाएगा। ये जो हम अभी ड्राइंग ड्रा किए हैं, ये जो ड्राइंग है ये डायमंड कॉइल बाइंडिंग की है। और इसका भी प्रयोग हम हाई वोल्टेज वाली मशीनों में ही करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हम ये वाइंडिंग का जो एक्सप्लेन किए आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 193 नंबर, तीन कला मोटर वाइंडिंग का नाम क्या है यदि वाइंडिंग पिच पोल पिच से कम है। कम है तो कम है, इसमें कंडीशन तीन बनता है, फुल पिच वाइंडिंग, ऑप्शन जो ए है फुल पिच वाइंडिंग। तो फुल पिच वाइंडिंग में क्या होगा कि इसमें क्वाइल पिच पोल पिच के बराबर होगा, तो ये जो बाइंडिंग होगी ये फुल पिच वाइंडिंग हो जाएगी, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस कंडीशन के लिए सही। दूसरा जो है होल क्वाइल वाइंडिंग, होल क्वाइल वाइंडिंग में भी यही कंडीशन होता है। लॉन्ग पिच वाइंडिंग जो है सी नंबर पे, लॉन्ग पिच वाइंडिंग में क्या कंडीशन होगा कि इसमें क्वाइल पिच बड़ा होगा पोल पिच से। ये जो बाइंडिंग होगी ये लॉन्ग पिच हो जाएगी। अगला जो कंडीशन दिया है शॉर्ट पिच वाइंडिंग, शॉर्ट पिच वाइंडिंग में क्या होगा कि क्वाइल पिच छोटी होगी और पोल पिच बड़ा होगा। तो ये जो हो जाएगी शॉर्ट पिच का कंडीशन हो जाएगा। क्वेश्चन में भी यही कंडीशन कहा था कि यदि यदि कुंडली पिच पोल पिच से, मतलब क्वाइल पिच पोल पिच से कम है, तो कम है ना, कम है, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर, 194, तीन कला सेकेंडरी वाइंडिंग का अवगुण कौन सा होता है। सेकेंडरी वाइंडिंग, ये इसका इंग्लिश साइड में देखेंगे तो कंसेंट्रिक वाइंडिंग लिखा जाता है। कंसेंट्रिक वाइंडिंग का प्रयोग सिंगल फेज मशीनों में किया जाता है। इसका जो डायग्राम बनता है ये ऐसे बनता है, इसका जो डायग्राम होगा ये ऐसे बनेगा, इसकी ये हो जाएगा, फिर यहाँ अंतर आएगा और फिर इसके ऊपर ये कंडीशन हो जाएगा, फिर इसके ऊपर ये अंतर आएगा और फिर इसके ऊपर एक आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि इसका सेंटर तो एक होगा लेकिन बाइंडिंग इसके ऊपर 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 आती रहेंगी, तो इसीलिए इसका नाम सेकेंडरी वाइंडिंग कहा गया है। इसमें जो है इसमें काफ़ी स्थान मिलता है, काफ़ी स्थान मिलता है जो स्टेप के रूप में होता है, तो ये बाइंडिंग जो होती है अधिक स्थान घेरती है। लेकिन इसके साथ साथ इसका एक उपयोग ये होता है कि इसमें हीट फैलने के लिए काफ़ी स्थान मिल जाता है जिससे इसमें हीट जनरेट नहीं हो पाता है। तो इसकी ज़्यादा जगह ले रही है, ये इसकी एक हानि भी होती है, मतलब स्टेप फार्मर की इसमें आवश्यकता हो जाती है। तो ऑप्शन जो ए है वो अधिक जगह की आवश्यकता होती है, तो ये तो सही है लेकिन अवगुण कह रहा है, इसे स्टेप फार्मर की आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 195 नंबर, थ्री फेज मोटर वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त आरेख का नाम क्या है। ये जो आरेख दिखाया गया है ये जो है रिंग वाइंडिंग का डायग्राम दिया गया है, रिंग वाइंडिंग। तो ऑप्शन जो ए नंबर है वो रिंग डायग्राम यानी अंगूठी का आरेख है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 196 नंबर, और ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 कला 36 स्लॉट 12 क्वाइल 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग के लिए स्लॉट के संदर्भ में कला विस्थापन की गणना कीजिए। इसमें जो कंडीशन है इसके लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला स्टेप एंगल पहले निकालते हैं, तो स्टेप एंगल निकालेंगे तो ये स्टेप एंगल कितने एंगल का बन रहा है, उसके लिए फॉर्मूला होता है 180 × पोल / स्लॉट। स्लॉट तो यहाँ हम रखते हैं, तो यहाँ 180 डिग्री हो जाएगी। पोल जो दिया है 4 पोल दिया हुआ है और स्लॉट जो है 36 है, तो स्टेप एंगल इक्वल टू 180 × पोल यानी 4 / स्लॉट जो है 36, 36 स्लॉट हो जाएगा। 4 × 9 = 36, 9 × 9 = 18 यानी 20 डिग्री आया स्टेप एंगल, याद रखिएगा 20 डिग्री। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो वाइंडिंग है वो 3 फेज वाइंडिंग है, तो 3 फेज जब वाइंडिंग होती है तो आर आर वाई बी में आपस में 120, 120 और 120 का अंतर होता है, तो यहाँ भी वही होगा। तो ये कला विस्थापन है, एंगल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ये जो एंगल है, यानी 3 फेज है तो 120 अंश का अंतर आएगा, बटा स्टेप एंगल। स्टेप एंगल हम निकाले थे 20 डिग्री, अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 × 6 = 12, 6 स्लॉट का डिस्प्लेसमेंट आएगा। ऑप्शन जो ए है 3 स्लॉट कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 4 स्लॉट, ये भी गलत हो जाएगा। 6 स्लॉट यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 197 नंबर, क्वाइल पर पोल पर कला की संख्या वाले एसी मोटर वाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट में स्थापित की जाती है। अलग अलग स्लॉट में स्थापित वाइंडिंग जो की जाती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है, वितरित वाइंडिंग होती है। ऑप्शन जो ए है बास्केट वाइंडिंग गलत है, सी जो है कंसेंट्रेटिक वाइंडिंग ये भी गलत है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 198 नंबर, वाइंडिंग के किस प्रकार के परीक्षण को दिखाया गया। वाइंडिंग का जो ये परीक्षण है, यहाँ लाइन दिया रहा है, ये न्यूट्रल दिया जा रहा है, ये प्रतिरोध लगे हैं, ये भी प्रतिरोध, ये भी प्रतिरोध और ये भी प्रतिरोध लगाए गए हैं, यहाँ इसका मेजर किया जा रहा है। तो ये जो परीक्षण किया जा रहा है ये रजिस्टेंस टेस्ट किया जा रहा है। ऑप्शन जो ए है पोलैरिटी टेस्ट गलत है, बी जो है रजिस्टेंस टेस्ट प्रतिरोध परीक्षण यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 199 नंबर, स्टार्टिंग में रोटर सर्किट में बाह्य प्रतिरोध को 3 फेज स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर में स्टार्टर के माध्यम से क्यों शामिल किया जाता है। तो 3 फेज इंडक्शन मशीन में जो स्टार्टर प्रयोग किया जाएगा वो रोटर प्रतिरोध स्टार्टर प्रयोग किया जाएगा, और उसमें रेजिस्टेंस ही होता है। उसके प्रयोग करने का मूल पर्पस ये होता है कि मोटर का स्टार्टिंग में हाई स्टार्टिंग टार्क जनरेट करना और करंट को स्टार्टिंग में सीमित करना, लो से लो करना। तो ऑप्शन जो ए है वो उच्च रनिंग बल आघूर्ण के लिए, उच्च रनिंग के लिए नहीं होता है, स्टार्टिंग के लिए होता है, तो गलत हो जाएगा। बी जो है उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण प्राप्त करने के लिए यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा 200 नंबर, यदि स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में स्थापित किए जाए तो क्या प्रभाव होगा। तो रोटर जो होता है स्लिपरिंग इंडक्शन मशीन में जो रोटर होता है वो बाउंड रोटर होता है, बाउंड रोटर होता है, इस टाइप का ये रोटर हो जाएगा, और इस पर बाइंडिंग होती है, और ये इसका शाफ्ट हो जाएगा, इस पर 3 स्लिप रिंग रहेंगी।
तो इसमें अगर वाइंडिंग खुल जाती है, इसका मतलब है कि स्टेटर के द्वारा इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ इस रोटर में नहीं बन पाएगा, और जब रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं बन पाएगा तो वो घूम नहीं पाएगा। यानी स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन में रोटर में यदि वाइंडिंग खुल गई तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं बन पाएगा, जिस कारण मोटर नहीं चल पाएगी या रोटर नहीं घूम पाएगा। ऑप्शन जो ए है नहीं चलेगी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में डाउट हो जाता है तो वो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस क्वेश्चन को पूछ सकता है। उसका हम प्रयास करेंगे कि ज़रूर उसको बताएं। तो दोस्तों आपसे निवेदन भी रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।